हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एट योर फिंगर टिप्स। दिस इज के पवन, योर फ्रेंड, योर टीचर कम मेंटर। मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ, बायोलॉजी रटने वाला विषय नहीं है, तो क्यों करेंगे रटना शुरू जब आपके साथ है ये बायोलॉजी ग्रुप। गुड मॉर्निंग। इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस about the embryonic development in monocot as well as in dicot. If you memorized, we know post-fertilization events can be categorized into four headings. First one is called formation of endosperm. Second one, embryonic development. Third one, maturation or transformation of ovule into seed. And last one is transformation of ovary into fruit. We have already discussed formation of endosperm, embryonic development in previous classes. Today I will discuss maturation of ovule into seed. So today topic is maturation of ovule into seed, or better, development of concept. We will divide this topic into four subheading. First one is called seed definition. Second one, seed structure. Third one, seed development or last one, classification of seed. Now start the first heading, introduction of seed or definition of seed. Seed is the fertilized or mature ovule formed inside the fruit. Means it is the fertilized and mature ovule formed inside the fruit. Actually, seed is the modification of ovule. Seed is the modification of ovule. It is the result of sexual reproduction. Last result of sexual reproduction. The study of seed is also called spermology. A study of seed is called spermology. तो मैं कह रहा था, यदि कोई आपसे सीड की परिभाषा पूछे, कोई आपसे पूछ दे सीड क्या है, तो वास्तव में सीड क्या है, तो सीड इज द फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन
a maturation seed is born inside the fruit. Actually, seed is the modification of ovule. यह मॉडिफाइड रूप है ओव्यूल का और इट इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक टर्म और याद रखना है कि स्टडी ऑफ सीड इज कॉल्ड स्पर्मियोलॉजी. तो कोई यदि सीड को डिफाइन करने का है तो आपको ये सब पॉइंट्स याद रखना है और एक लाइन में बात याद रखनी है कि सीड इज नथिंग, एक्चुअली इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ओव्यूल और इट इज द फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल. अ स्टडी ऑफ सीड इज कॉल्ड अ स्पर्मोलॉजी और इट इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब मैं दूसरे हेडिंग की ओर बढ़ता हूं. स्ट्रक्चर ऑफ सीड और पार्ट्स ऑफ सीड. इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर किसी सीड्स में क्या क्या होता है, कौन कौन सा हिस्सा होता है, क्या क्या उसमें संरचनाएं पाई जाती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं. तो एक सामान्य सीड में कोई भी एक टिपिकल सीड होगा तो उसमें मिनिमम ये थ्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे. ठीक है, थ्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे. सबसे पहले जो बाहर में कवर होगा उसको हम आउटर कवर, जनरली हार्ड होता है और इसी को हम लोग कहते हैं सीड कोट. क्या नाम है? आउटर कवर और सीड कोट. ये पहला पार्ट से. जो दूसरा संरचना, दूसरा स्ट्रक्चर आपको सीड में देखने को मिलेगा उसको हम कहेंगे इम्ब्रियो. इम्ब्रियो और इसी को हम इम्ब्रायनल एक्सिस भी कहते हैं. और जो तीसरी संरचना आपको देखने को मिलेगी उसको हम कहेंगे रिजर्व पोर्ट. ठीक है, तो यदि एक टिपिकल सीड को हम देखेंगे तो कोई भी सीड हो, अभी मैं डाइकॉट मोनोकॉट ये सब बात नहीं कर रहा, एक टिपिकल सीड कोई भी सीड होगा तो सबसे बाहर में आउटर कवर होगा या उसी को हम लोग सीड कोट कहते हैं. उसके सीड कोट के अंदर में एक इम्ब्रियो होगा जिससे कि पूरे प्लांट्स का निर्माण होता है और रिजर्व फूड होगा. ये रिजर्व फूड इसलिए होता है कि जब तक फोटोसाइंथेसिस की क्रिया उसमें स्टार्ट नहीं होती तब तक उसको भोजन चाहिए, तो वो रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में होता है. और यदि आपको सीड समझना है, सीड के स्ट्रक्चर को समझना है, तो इसके लिए सबसे कॉमन एग्जांपल है ग्राम सीड. ठीक है, या पी सीड. तो ग्राम सीड हम आप सबने देखा है, जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि यदि आपको फ्लावर की संरचना को समझना है तो सबसे अच्छा उदाहरण है ये साइनरोस. तो यहां पर यदि हमें सीड समझना है तो सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे पास ग्राम सीड. यदि हम आप सब ने ग्राम सीड देखा हो, एक मैं ऐसे यहां फिगर बना रहा हूं. यदि आपने ग्राम सीड देखा हो तो देखते हैं लगभग ऐसा स्ट्रक्चर होता है. आप उसको देखेंगे तो उसका बेस काफी चौड़ा होता है और उसका जो ये अपेक्स है वो नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है. ठीक है, यदि आप उस सीड को देखेंगे, ग्राम सीड को, तो सबसे ऊपर एक भूरे रंग का कवर होता है और वो कवर हार्ड होता है. उसे जब हम हटाते हैं तो आप देख वो जो बाहर में जो आउटर कवर होता है उसी को हम लोग आउटर कवर कहते हैं या सीड कोट कहते हैं. ये उसको सुरक्षा प्रदान, प्रोटेक्शन प्रदान करने का कार्य करता है. आप ग्राम सीड को जब ओपन करेंगे तो देखेंगे जब वो भूरा वाला कवर हटाते हैं, उस सीड कोट को हटाते हैं, तो अंदर में येलो कलर की संरचना मिलती है. हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. अभी मैं कह रहा हूं कि यदि आप ग्राम सीड को देखेंगे तो सबसे बाहर में एक आउटर कवर मिलता है या आउटर कवर मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं सीड कोट. यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो जो ब्राउन कलर जो ये आउटर कवर होता है वास्तव में दो लेयर से बना हुआ होता है.
एक सबसे जो आप ब्राउन कलर देते हैं उसके नीचे भी एक पतली सी झिल्ली जैसी संरचना होती है व्हाइट कलर की, यानी जो ये सीड कोट होता है जो मैं पहला बात कर रहा हूं सीड कोट का या आउटर कवर का। तो आप किसी सीड में देखेंगे कि ये जो सीड कोट है वो सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर कवर के रूप में रहता है, और ये सीड कोट सामान्यतः एक लेयर का भी हो सकता है और दो लेयर का भी होता है, लेकिन ये सामान्यतः टू लेयर का, कितने लेयर का, टू लेयर का होता है ये सीड कोट। और विशेषकर आप ग्राम सीड में देखेंगे तो टू लेयर का है, और जो सबसे बाहर में आप जो भूरा कलर का देखते हैं इसको हम कहते हैं आउटर लेयर, रेस्पेक्टिवली ये इनर लेयर की अपेक्षा हार्ड होता है। और जो ये आउटर लेयर होता है सीड कोट का, जो आउटर लेयर होता है, या ये सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये सीड कोट बनता कैसे। तो सीड कोट यदि आपको याद हो ओव्यूल की संरचना, तो ये बनता है इंटेगुमेंट से। किससे बनता है? इंटेगुमेंट से। मैंने आपको बताया था कि इंटेगुमेंट एक हो सकते हैं, यूनिटेगुमेंट, बाइटेगुमेंट, ऐसा। तो इंटेगुमेंट से सीड कोट का निर्माण होता है, और एक सामान्य ओव्यूल की मैंने आपको संरचना बताई थी, आगे भी मैं बता रहा हूं कि आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट होता है। तो आउटर इंटेगुमेंट से यह आउटर लेयर बनता है। किससे बनता है? आउटर इंटेगुमेंट से, आउटर इंटेगुमेंट से बनता है। और जो ये आउटर इंटेगुमेंट से जो आउटर लेयर बनता है इसे हम लोग कहते हैं टेस्टा। क्या नाम है? टेस्टा। जो ये इनर लेयर है वो बनता है इनर इंटेगुमेंट से। किससे बनता है? इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, इनर लेयर जो इसके रेस्पेक्टिवली पतला होता है, डेलिकेट होता है, वो इनर इंटेगुमेंट से बनता है, और इसको हम लोग कहते हैं टेगमेंट या टेगमेंट्स। क्या कहते हैं? टेगमेंट्स। तो फिर से देखेंगे, जो एक टिपिकल सीड है बाह्य रूप से एक आवरण से घिरा रहता है, आउटर कवर से घिरा रहता है, जो उसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है, उसे हम कहते हैं सीड कोट। और ये सीड कोट होता है वो एक लेयर का भी हो सकता है और दो लेयर का भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः सीड कोट विशेषकर डाइकोट में ये टू लेयर होता है, आउटर लेयर कड़ा होता है और इनर लेयर उसके अपेक्षा पतला होता है, डेलिकेट होता है। ये सीड कोट ओव्यूल के इंटेगुमेंट से बनता है, और इस सीड कोट का जो ये आउटर लेयर है वो आउटर इंटेगुमेंट से बनता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टा। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है, बार 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 ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और जो ये इनर लेयर है वो इनर इंटेगुमेंट से बनता है, और इसे टेगमेंट या टेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सीड कोट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्ब्रियो और इम्ब्रियोनल एक्सिस। हाँ, तो मैं कह रहा था जो सीड के अंदर जो दूसरी संरचना पाई जाती है उसे कहते हैं इम्ब्रियो या इम्ब्रियोनल एक्सिस। यदि आपको याद हो तो इम्ब्रियो का निर्माण डबल फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो पहले जायगोट बनता है, और उसी जायगोट से इम्ब्रियो का निर्माण, इस इम्ब्रियो या इम्ब्रियोनल एक्सिस का निर्माण। और ये जो इम्ब्रियो या इम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इम्ब्रियो या इम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या रहेगा, हाइपोकोटाइल रहेगा, इपिकोटाइल रहेगा, फीमेल रहेगा, रेडिकल होगा। फिर से मैं आप इसको समझा। और जो ये तीसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रिजर्व कोट। मतलब कोई भी सीड होगा तो उसमें रिजर्व कोट होगा। ये रिजर्व कोट दो फॉर्म में हो सकते हैं, एक फॉर्म, एक को कहते हैं कॉटिलीडन्स और दूसरे को कहते हैं एंडोस्पर्म। यानी कोई भी सीड होगा उसमें रिजर्व कोट के रूप, रिजर्व कोट चाहे तो कॉटिलीडन्स के फॉर्म में होंगे या एंडोस्पर्म के फॉर्म में होंगे, या कॉटिलीडन्स प्लस एंडोस्पर्म दोनों उपस्थित हो सकते। अभी वो सब बात आपको क्लियर हो जाएगी आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था जो सीड्स के अंदर जो तीसरा पार्ट से सीड का या तीसरा स्ट्रक्चर है वो होता है रिजर्व कोट, और ये रिजर्व कोट कॉटिलीडन्स के रूप में हो सकता है और एंडोस्पर्म के रूप में हो सकता है।
अब आपको लगेगा कि ये कॉटिलियंस क्या है, तो वास्तव में ये सीड लीव्स है, क्या है, सीड्स लीव्स है, और ये प्रिम्यूल से बनता है और इट स्टोर फूड्स एज स्टार्च और अदर। ये जो इंडोस्पर्म है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं इंडोस्पर्म क्या है, तो इट फॉर्म्स ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन एज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, माने ट्रिपल फ्यूजन होता था और इंडोस्पर्म का निर्माण होता था। तो सीड के अंदर जो ये रिजर्व पूल वो फर्टिलाइजेंस के रूप में हो सकता है और इंडोस्पर्म के रूप में हो सकता है। फिर से मैं ये तीनों संरचनाओं को कंक्लूड करता हूं और फिगर से बताता हूं जिससे कि आपको और बेटर समझ में आएगा। देखिए अभी मैंने कहा कि अगर सीड को समझना है तो आप ग्राम सीड अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए, विजुअलाइज करेंगे तो आपको समझना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ये कॉमन एग्जांपल है, हम आप हर लोगों ने इसे देखा है। जब आप चने के सीड को अगर ऊपर से देखें तो देखिए ये नीचे में जड़ा होता है और ऊपर में पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, इसके अपेक्स में पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखता होता है, माने नुकीला होता है। सबसे बाहर में अभी मैंने कहा जो सबसे बाहर में जो भूरे कलर का स्ट्रक्चर होता है इसको हम सीड कोट कहते हैं, और वास्तव में ये सीड कोट दो लेयर से भरा रहता है। इस जो बाहर वाला जो लेयर है उसको हम टेस्टा कहते हैं और जो अंदर वाला जो लेयर है उसे हम टेक कहते हैं। अब इसे हम फिगर से देखें, यदि आप इसको एक ग्राम सीड को जर्मिनेट होने के लिए छोड़ दें, उसमें थोड़ा अंकुरण होने दें, और होने के बाद उसको आप जब खोलेंगे ओपन करेंगे तो आपको लगभग ऐसी संरचना दिखेगी, ऐसी संरचना दिखेगी। आप जब ऊपर वाला जब ये हटाइएगा तो देखिएगा ये पीले कलर का येलो कलर का ये दिखता है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉटिलीडर। क्या कहते हैं, कॉटिलीडर, ठीक है। और कॉटिलीडर में ही अभी मैंने कहा कि कॉटिलीडर क्या काम कर रहा है, तो फूड को रिजर्व करने का काम कर रहा है, ठीक है, ये है कॉटिलीडर। और अभी मैंने कहा कि वास्तव में ये जो कॉटिलीडर होता है या सीड होता है दो लेयर से ढका होता है। मान लीजिए मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो ये सबसे और इसके बारे में भी एक और मैं दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये जो बार में मैं ये देखिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूं कि ये जो देखिए सबसे बाहर वाला जो सीड कोट का लेयर था उसको हम क्या कहते थे, टेस्टा। क्या कहते थे, टेस्टा, आउटर इंटेगमेंट से बना था, और ये जो अंदर वाला लेयर है उसको कहते थे टेगमेंट, और दोनों को मिलाकर कहते थे सीड कोट। तो ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। अब जो हमको ये दूसरी संरचना है इम्ब्रियो या इम्ब्रियोनल एक्सिस, आपको ये समझना है इम्ब्रियो या इम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता है। तो देखिएगा दोनों ये कॉटिलीडंस होता है, इसके बीच में जो ये संरचना ये लंबा सा जो ये दिख रहा है वास्तव में ये इम्ब्रियो है। क्या है, इम्ब्रियो है, या इसी को कहते हैं यहां से यहां तक ये इम्ब्रियोनल एक्सिस है। और टिप ऑफ द इम्ब्रियोनल एक्सिस या टिप ऑफ द इम्ब्रियो को हम कहते हैं प्रिम्यूल। क्या नाम रखा है इसको, प्रिम्यूल कहते हैं। और ये जो इसको जो है इसको कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं, रेडिकल। तो टिप कैसे जानेंगे कि टिप तो कोई कर सकता है, इधर भी टिप होगा और इधर, तो फिर से वो क्लाजा इंड वाला कॉन्सेप्ट और माइक्रो इंड वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी इम्ब्रियोनल एक्सिस का वह हिस्सा जो क्लाजा इंड की ओर होता है उस हिस्से के सबसे आगे वाले सिरे को हम लोग प्लिम्यूल कहते हैं। और आपको याद हो तो इसी प्लिम्यूल से पूरे सूट सिस्टम का निर्माण होता है और इसी रेडिकल से पूरे रूट सिस्टम का निर्माण होता है। तो इम्ब्रियो ये देखिए इसी को मैं कह रहा हूं, ध्यान देखिए, कुछ लोगों ने पूछा भी था कि भाई इम्ब्रियोनल एक्सिस किसको कहते हैं,
तो देखिए ये यहां से लेके यहां तक ये इम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, और ये पूरा इम्ब्रियो है। टिप ऑफ द इम्ब्रियो और इम्ब्रियोनल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिम्यूल और बेस ऑफ द इम्ब्रियो और इम्ब्रियोनल एक्सिस इज कॉल्ड रेडिकल। इसको आप टिप और कैसे डिनोट करेंगे तो क्लाजा इन और माइक्रोपाइल, ठीक है। अब जो ये दूसरा स्ट्रक्चर आपको देखना है उसे यदि आप ध्यान से देखें तो देखिए ये दोनों कॉटिलीडन है, ये और ये कॉटिलीडन, ये दोनों एक जगह इम्ब्रियो से अटैच है। यहां पर ये वो जगह है जो दोनों कॉटिलीडन यहां पे अटैच है। तो दोनों कॉटिलीडन इस इम्ब्रियोनल एक्सिस से जिस जगह अटैच होते हैं इसी को हम कहते हैं कॉटिलीडनरी नोड। क्या कहते हैं? कॉटिलीडनरी नोड, ठीक है। यानी ये दोनों कॉटिलीडन्स जहां अटैच होते हैं इम्ब्रियोनल एक्सिस से या इम्ब्रियो से उसी को हम कहते हैं कॉटिलीडनरी नोड। अब नेक्स्ट एक टर्म है, बार बार पिछले क्लास में भी मैं बताऊं, यहां पर और ज्यादा क्लियर आप एकदम समझ लें कि ये जो कॉटिलीडनरी नोड है और प्लिम्यूल है, कॉटिलीडनरी नोड से इम्ब्रियोनल एक्सिस पर कॉटिलीडनरी नोड से और प्लिम्यूल के बीच का जो स्थान है, मान लीजिए यहां इसको कहते हैं ईपी कोटा है। क्या कहते हैं? ईपी कोटा है। और इस कॉटिलीडनरी नोड से इस रेडिकल के बीच वाले भाग को हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल। तो ये सब टर्म क्लियर होना चाहिए। ये है इम्ब्रियोनल एक्सिस। फिर से पूरे सीड की संरचना को मैं बताऊं, मैंने कहा कि कोई भी सीड होगा, एक टिपिकल सीड होगा, अभी मैं मोनोकॉट डाइकॉट एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक कोई भी बात नहीं कर रहा, सीड समझाया। सबसे पहले कहा कि सीड इज द फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल फॉर्म इनसाइड द फ्रूट। Actually, it is the modification of ovum. It is the last product of sexual reproduction in angiospermic plant. If we study about the structure of the seed, we find three parts, three structure in seed. First one is called seed coat, outer covering. कोई भी seed, अभी मैं ये देखिए, ये gram seed है, ये gram seed का ये जो आउटर कवरिंग है जो सामान्यतः आप भूरे रंग का देखते ऊपर से जो रिजिड रहता है, वास्तव में वो जो सीड कोट होता है वो उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है और वो दो लेयर का बना होता है। जो आउटर लेयर है जो कड़ा होता है जो रिजिड होता है उसको हम लोग टेस्टा कहते हैं और जो अंदर वाला है उसको हम टेगमेंट कहते हैं। तो ये पहला पार्ट हुआ जिसको हम सीड कोट कह रहे हैं। क्या कहते हैं? सीड। जब ये दूसरा पार्ट इम्ब्रियो, देखिए ये जब हम कहे कि सीड को आप खोलेंगे अगर वो जर्मिनेट किया हुआ सीड होगा तो आप देखेंगे इसी सीड के अंदर में ये मुड़ा तुड़ा लीफी स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा और एक लंबा सा ये संरचना दिखेगा। तो इसको हम कहते हैं इम्ब्रियो या इम्ब्रियोनल एक्सिस। इनिशियल स्टेज में इम्ब्रियो को टाइगेलम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगेलम। फिर मैंने कहा इधर क्लाजा इन है, इधर माइक्रोपाइलिन है, इसके सबसे इम्ब्रियोनल एक्सिस के सबसे अपेक्स पार्ट को या टिप को हम लोग प्रिम्यूल कहते हैं और इसी से सूट का निर्माण होता है और ये जो बेसल पार्ट है जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम रेडिकल कहते हैं और इसी से रूट का निर्माण, ठीक है। कि ये जो कॉटिलीडन्स इम्ब्रियोनल एक्सिस से जहां पे जुड़ा हुआ रहता है उसे हम कॉटिलीडनरी नोड कहते हैं और इस कॉटिलेडिनरी नोड और प्रिम्यूल के बीच का जो स्पेस होता है जो भाग होता है उसी को हम एपिकोटाइल कहते हैं और कॉटिलेडिनरी नोड से रेडिकल के बीच में जो स्पेस होता है जो स्थान होता है जो पार्ट्स होता है उसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। और आपको याद रखना है कि इसी रेडिकल से रूट का और इसी प्रिम्यूल से सूट का निर्माण होता है। जो ये तीसरी संरचना जो सीड में पाई जाती है उसको हम कहते हैं रिजर्व फूट। रिजर्व फूट इसलिए होता है कि सीड क्या है डोरमेंसी स्टेज में रहता है, सुसुप्ता अवस्था में रहता है, तो उसमें जब तक कि फोटोसाइंथेसिस की क्रिया ना हो तो उससे इम्ब्रियो को भोजन मिल सके, जब तक कि उसमें फोटोसाइंथेसिस की कैपेबिलिटी नहीं आए तो उस सीड में फूड स्टोर होता है और ये फूड स्टोर हो सकता है कॉटिलीडन के रूप में या एंडोस्पर्म, ठीक है। ये कॉटिलीडन। तो ये कॉटिलीडन क्या है? तो वास्तव में ये सीड लीव्स है जिसका निर्माण होता है प्रिम्यूल से।
और ये पूरा स्टोरेज करने का काम करता है। आप ये देखिएगा जो पीला वाला जो स्ट्रक्चर है इसी को हम कॉटिलेडन्स कहते हैं। क्योंकि ग्राम सीड में आगे हम पढ़ेंगे कि इंडोस्पर्म नहीं होता, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड है। तो ये इंडोस्पर्म कैसे होता है? तो इंडोस्पर्म अभी आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि इट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन। तो इंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तो ये रिजल्ट फ्रॉम कॉटिलेडन्स के रूप में भी हो सकता है, इंडोस्पर्म के भी रूप में हो सकता है। ओवरऑल यदि आपको ये फिगर समझ में आया होगा तो सीड का स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस डिफिनेशन ऑफ सीड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, नाउ वी डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ सीड, सीड का निर्माण कैसे होता है। तो सीड के डेवलपमेंट को समझने के लिए फिर से आपको ओव्यूल के स्ट्रक्चर को मेमोराइज कर लेना होगा। मैं यहां देखिए एक फिगर बना रहा हूं, यदि आपको याद हो तो ओव्यूल की संरचना आपको याद हो तो देखिए ये इधर ओवरी होता है और ये जो पार्ट जो जुटा हुआ रहता है ओव्यूल का, इसको हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। और ये पार्ट जहां से ये फ्यूनिकल ओव्यूल से जुटा हुआ रहता है उसमें को हम लोग हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम। किसी किसी प्लांट में ये हाइलम यह फ्यूनिकल हाइलम से थोड़ा और आगे बढ़ जाता है तो इसे हम रैफे कहते हैं। क्या कहते हैं? रैफे। ठीक है, और ये क्या है? ये फ्यूनिकल है और ये फ्यूनिकल ओवरी से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं, क्योंकि हमको समझना है कि सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है और अभी मैं अभी आपको डिफाइंड भी कर चुका हूं कि सीड इज नथिंग, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ओव्यूल, मतलब ओव्यूल ही बदल जाता है सीड में। ठीक है, और इसकी परिभाषा भी अभी मैंने की थी कि सीड इज द फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल फॉर्म इनसाइड द फ्रूट। तो अभी देखिए इधर ये फ्रूट की इनसाइड क्यों होगा कि देखिए ओवरी है, ओवरी ही बदल जाता है फ्रूट में, तो फ्रूट के अंदर इसका निर्माण होता है। तो हाँ, तो अभी मैं कह रहा था ओव्यूल की संरचना को समझेंगे तो ये यूनिटेक्निक भी हो सकता है और बाइटेक्निक भी हो सकता है। तो यदि आपको याद हो मान लीजिए ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग इंटेगुमेंट कहते हैं, ये आउटर इंटेगुमेंट है और ये इनर इंटेगुमेंट है। ठीक है, ये आउटर इंटेगुमेंट है और ये इनर इंटेगुमेंट है। अब आपको यही समझना है कि सीड का इस ओव्यूल का कैसे मॉडिफिकेशन होता है, इस ओव्यूल का कैसे मॉडिफिकेशन होता है सीड। अभी मैं कह रहा था कि जो ये सीड होता है, सीड का जो आउटर कोट, आउटर कोट, बाय द वे ये देखिए इधर चना मैं इधर बनाया हुआ रखा है, ये जो आउटर कोट बनता है, ये आउटर कोट बनता है किससे? तो इंटेगुमेंट से, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। और ये आउटर इंटेगुमेंट मतलब जो बाहरी लेयर बदल जाता है किसमें? तो बाहरी लेयर बदल जाता है टेस्टा में और ये जो इनर लेयर बदल जाता है टेंट। और यही दोनों मिलकर के निर्माण करता है सीड कोट का। क्या इसका निर्माण करेगा? सीड कोट का। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कैसे ओव्यूल से सीड का निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है। एक बात याद रखेंगे, ये आउटर इंटेगुमेंट बदल जाता है सॉरी टेस्टा में और इनर इंटेगुमेंट बदल जाता है टेगमेंट में। इसको टेगमेंट अंतिम किस किस प्रकार में टीवी देखेंगे तो इसको टेगमेंट में बदल जाते हैं और दोनों को मिलाकर के कहते हैं सीड कोट। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब ये जो आप सीड देखेंगे तो यहां पर ये आपको याद हो तो इसको हम लोग कहते थे माइक्रोपाइल। क्या कहते थे? माइक्रोपाइल। तो देखिए सीड, अगर आप चने का सीड देखिएगा तो
तो सीड में ये माइक्रोपाइल आपको पहले भी बताया है कि ये प्रेजेंट होता है, जैसा यहां है वहां सीड में उपस्थित होता है। और चने को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सबसे ऊपर में एक छिद्र होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। किसको कहते हैं? माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल है और ये बाहर वाला क्या हुआ? सीड कोट। किस 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 से बना हुआ है? तो टेस्टा से प्लस टेगमेंट से। हमने देखा तो फर्स्ट पार्ट कैसे बना जो हम लोगों ने देखा। दूसरा जो आपको याद हो तो ये अंदर जो ये भाग था इसको हम लोग जो मेन पार्ट था जो इम्ब्रियो सैक का निर्माण होता था तो ये जो बीच में जो था याद कीजिए एंटीपोडल से गायब हो जाता था, डिसअपीयर हो जाता था और ये जो जायगोट है यही बदलता था इम्ब्रियो। किसमें बदल जाता था? ये जायगोट था, ये बदल जाता था इम्ब्रियो। जो अभी अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं जिसको आप इम्ब्रियो या इम्ब्रियोनल एक्सिस या टाइगेलम कहते हैं, तो ये जायगोट बदल जाता है, ठीक है? और ये जायगोट बदल गया इम्ब्रियो में। अब देखिए ये जो फ्यूनिकल है यही फ्यूनिकल बदल जाता है। यदि आप चने का देखेंगे तो चने का जो ये जो फ्यूनिकल जो है ये बदल जाता है सीड स्टॉक, सीड स्टॉक में। आप चने का जो ये झंगड़ी जिसको बोलते हैं ऊपर देखिएगा तो एक जगह से वो चिपका हुआ रहता है, तो ये फ्यूनिकल बदल जाता है सीड स्टॉक में। और ये सीड स्टॉक जहां से देखिए आप वहां भी यहां पे देखिए ये सीड स्टॉक लगा हुआ रहता है ओवल के जिस पार्ट से उसको हम कहते हैं हाइलम। और यही माइक्रोपाइप के नीचे एक बड़ा सा स्कार देखिए इसी को हम लोग कहते हैं हाइलम। तो हाइलम जस का तस उपस्थित होता है तो ये बदल जाता है, ये हाइलम जो है वो हाइलम के रूप में उपस्थित। और जिस सीड में ये फ्यूनिकल आगे की ओर बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं रैफे। यदि आप ध्यान से देखेंगे ग्राउंड सीड को तो देखिए ये बीच में ऐसे एक संरचना दिखेगी उभार जैसा, इसी को हम कहते हैं क्या कहते हैं, ठीक है? फिर याद करें तो ये इसका एंटीपोडल सेल गायब हो जाता है, सिनर्जिक सेल गायब हो जाता है और मैक्सिमम सीड में ये न्यूसेलस भी गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूसेलस भी डिसअपीयर हो जाता है। तो आप एक एक चीज देख रहे हैं कि कहां से कौन बन रहा है, ठीक है? आप ये एंडोस्पर्म से आप कहिएगा कॉटिलीडन किस से बना, तो अभी मैंने कहा कि वास्तव में वो रिजर्व फूड के रूप में है और यह रिजर्व फूड एंडोस्पर्म भी हो सकता है और कॉटिलीडन भी हो सकता है। अभी मैंने कहा कि वो वास्तव में सीड लीव्स है और एंडोस्पर्म का तो आप जानते ही है कि यहां पर पेन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में बार बार डिवीजन होने थे, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तो ये माइक्रोपाइल भी वहां दिख रहा है, आउटर इंटेगमेंट और इंटर इंटेगमेंट भी टेस्टा और टेगमेंट में दिख रहा है, ये जायगोट भी इम्ब्रियो में दिखेगा, फ्यूनिकल भी देखिए यहां पे फ्यूनिकल भी सीड स्टॉक के रूप में परिणत हो जाएगा और यहां पे ये जो हाइलम है सॉरी ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल भी दिख रहा है, हाइलम भी दिख रहा है, यानी हूबहू जो ये ओव्यूल है वो मॉडिफाइड हो गया है, इस सीड में मैच्योर हो गया है। तो ऐसे ही सीड का डेवलपमेंट होता है ओव्यूल से। तो इसको कंक्लूड करते हैं कि जो सीड का सीड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ओव्यूल और इस ओव्यूल से हम समझ सकते हैं कि सीड का निर्माण कैसे हुआ है। सीड का थ्री पार्ट से सीड कोट विच इज फॉर्म्ड बाय द इंटेगमेंट, आउटर इंटेगमेंट टेस्टा का को बनाता है, इनर इंटेगमेंट टेगमेंट, ये जायगोट इम्ब्रियो में बदल जाता है, माइक्रोपाइल देखिए यहाँ पे उपस्थित रहता है, हाय ये फ्यूनिकल सीड स्टॉक में बदल जाता है और ये जो फ्यूनिकल जहां से चिपका हुआ रहता है हाइलम, तो आप देखिएगा चने के बीज में वो वहां पे वो हाइलम के रूप में एक स्कार पाया जाता है और ये इसको हम बोलते हैं रैफ, ठीक है? और आप अभी तक हम लोगों ने देखा कि ओव्यूल से कैसे सीड का निर्माण होता है, ओव्यूल कैसे मॉडिफाइड हो जाता है सीड में। जैसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जो ये आउटर इंटेगमेंट, आउटर इंटेगमेंट इधर मान लीजिए इधर ये ओव्यूल है और इधर क्या है सीड है, कैसे मॉडिफिकेशन होता है जो मैं बता रहा हूं। तो आउटर इंटेगमेंट किसमें बदल गया? टेस्टा।
सीड में, ये आउटर इंटेगमेंट ओव्यूल का आउटर इंटेगमेंट, सीड में क्या कहलाता है डिस्टा, यहां का इनर इंटेगमेंट सीड में क्या कहलाता है टेगमेंट। वास्तव में जो यहां टेगमेंट है वो ओव्यूल में क्या था इनर इंटेगमेंट, और यहां पर ये दोनों मिलकर क्या कहलाता था तो स्पॉन कहते थे इंटेगमेंट, क्या नाम था इंटेगमेंट, और यहां पर क्या करते इन दोनों को हम लोग मिलाकर के कहते हैं सीड कोर, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सीड, ठीक है, ये सीड कोर, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे थे कि जायगोट, जो व्यूल में जो जायगोट था वो बदल जाता था किसमें इम्ब्रियो, किसमें बदल जाता था सीड के केस में इम्ब्रियो में, या इसी को हम कहते हैं इम्ब्रियोनल एक्सिस, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द, ठीक है, सेकेंड सेकेंड पार्ट ऑफ द सीड, ठीक है। तो जायगोट बदल जाता था इम्ब्रियो या इम्ब्रियोनल एक्सिस में। नेक्स्ट जो इसका पेन था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये किस में बदलता था तो यहां बदल जाता था एंडोस्पर्म में, या फिर यही कॉटिलीडन था, ठीक है, इसमें ये पेन ही बदल जाता था एंडोस्पर्म में, ठीक है। तो यहां से मॉडिफाइड करके पेन बन जाता था एंडोस्पर्म, यहां जो फ्यूनिकल था वो बदल जाता था यहां सीड स्टॉक में, यहां जो हाइलम था यहां हाइलम के रूप में उपस्थित होता है, सब मैंने फिगर में आपको डिनोट किया है, यहां जो रैफे था वो यहां भी रैफे के रूप में उपस्थित होता है, यहां जो माइक्रोफाइल था यहां भी एक कोर के रूप में ये माइक्रोफाइल उपस्थित। इस तरीके से यदि हम ध्यान से देखें तो ओव्यूल का पूरा पार्ट मॉडिफाइड हो जाता है, और मॉडिफाइड होकर के ये पूरा को हम कह ले तो यही है सीड, ठीक है। और जो ओव्यूल का पार्ट था एंटीपोडल से वो डिजनरेट हो जाता था, जो सिनर्जिक से डिजनरेट हो जाता था, उसका एक मेन पार्ट था याद करें तो उसको कहते थे न्यूसेलस, क्या नाम था न्यूसेलस। मैक्सिमम केस में, मैक्सिमम केसेस में न्यूसेलस जो ओव्यूल का जो पार्ट था वो डीजनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सीड्स हैं और आपको एकदम याद रखना है, इसका एग्जाम्पल निक का एग्जाम में या एम्स का एग्जाम में ये पूछेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का और अभी तक के टॉपिक का, कि मैं कह रहा हूं कि जनरली न्यूसेलस डिसअपीयर हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है सामान्यतः सीड में, लेकिन कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें ये न्यूसेलस बदल जाता है पेरी अस्पर्म में, क्या बदल जाता है पेरी अस्पर्म में, और वैसे सीड जिसमें न्यूसेलस प्रेजेंट होता है वैसे सीड को हम कहते हैं पेरी अस्पर्मिक सीड, क्या नाम है पेरी अस्पर्मिक सीड, ठीक है। तो सामान्यतः न्यूसेलस गायब लेकिन कुछ सीड में उपस्थित हैं, इसी को कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड, और पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जांपल याद रखना एक दो, एक है ब्लैक पीपर, इसी को आप काली मिर्च कहते हैं, बीट रूट याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली न्यूसेलस डिसअपीयर हो जाता है लेकिन पेरिस्पर्मिक सीड में यानी ब्लैक पीपर और बीट रूट में ये प्रेजेंट होता है। ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ओव्यूल सीड में बदल जाता है, इसका हर एक पार्ट अब देखिएगा यहां पे मॉडिफाइड हो गया है, चीज वही है बस मॉडिफिकेशन हुआ है, आउटर इंटेगमेंट टेस्टा में, इनर इंटेगमेंट टेगमेंट में, इस तरीके से। और परिभाषा ही मैंने बताया था कि सीड इज नथिंग, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ओव्यूल, ठीक है। तो ओवरऑल सीड से रिलेटेड ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा डिफिनीशन ऑफ सी, स्ट्रक्चर ऑफ सी और डेवलपमेंट ऑफ सी। अब इसका एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ सीड कहेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सीड्स। थैंक यू।
देखिए इस फिगर को ध्यान से। मैंने अभी कहा था कि सीड को समझने के लिए आप ग्राम सीड को उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। देखिए ये ग्राम सीड है, ऊपर वाला जो ब्राउन कलर है उसको सीड कोट कहते हैं, और देखिए जो ऊपर में जो ये छिद्र है उसको हम हाइलम कहते हैं, सॉरी माइक्रोपाइल कहते हैं, और उसके नीचे में जो ये स्कार है उसको हम हाइलम कहते हैं, और जो ये गड्ढे जैसा दिख रहा है वो लाइन, उसी को हम लोग रैफे कहते हैं। और अगर इसको हम ओपन करेंगे तो देखिए ये दोनों तरफ कॉटिलीडन है, और ये देखिए बीच में ये इम्ब्रियो है या एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और बीच में अभी मैं फिगर से आपको बताया है कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो टिप होता है उसको हम प्लीम्यूल कहते हैं, और जो ये इधर बेस है उसको हम रेडिकल कहते हैं, और देखिए ये दोनों जो जुटा हुआ है उसको हम कॉटिलीडनरी नोड कहते हैं। बाकी काफ़ी बातें मैंने आपको समझाई है कि एपिकोटाइल क्या है, हाइपोकोटाइल क्या है, आप इस फिगर से भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये फिगर सिर्फ जब सीड को ओपन किया गया है तो दिखाया हुआ है। देखिए ये दोनों कॉटिलीडन है जहां भोजन संग्रहित हो रहा है, और ये प्लीम्यूल है और नीचे में रेडिकल है। तो आपको मैं ओवरऑल एक टिपिकल सीड की संरचना समझा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं मोनोकॉट, डाइकॉट या इंडोस्पर्मिक सीड, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड की बात करूँगा। देखिए इस फिगर से आगे मैं मोनोकॉट और डाइकॉट का बात करूंगा। ये पहले भी मैं आपको ये पोजीशन समझाने का कोशिश किया था कि कैसे इम्ब्रियो होता है या कॉटिलीडन कहाँ रहता है, तो आप ये मोनोकॉट और डाइकॉट में देख सकते हैं। आगे वाले क्लास में मैं मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में बात भी करूँगा। देखिए यहाँ पर जो सीड को, जो सीड का जो मेन पार्ट है, जो सबसे ऊपर में सीड कोट कहते हैं, देखिए ये टेस्टा और टेगमेन में बटा हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो मैंने कहा था इम्ब्रियो, तो कहा था कि इम्ब्रियो में क्या क्या रहेगा भाई, तो प्लीम्यूल रहेगा, रेडिकल रहेगा, एपिकोटाइल रहेगा, हाइपोकोटाइल रहेगा, सब आपको इस फिगर में दिख रहा है। उसी तरीके से अगर हम कॉटिलीडन की बात करें तो देखिए यहाँ पर दो है, क्योंकि ये डाइकॉट सीड है और इधर ये एक है मेज सीड में। ये मैं बात करूँगा कि कॉटिलीडन एक और दो होता है, तो उसके आधार पे हम मोनोकॉट और डाइकॉट क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर बस पोजीशन याद रखना है कि कोई भी सीड होगा तो उसमें तीन पार्ट्स होंगे, सबसे बाहर वाला सीड कोट, उसके बाद इम्ब्रियो, और फिर रिजर्व फूड के रूप में इंडोस्पर्म हो सकता है या कॉटिलीडन हो सकता है या दोनों हो सकता है। थैंक यू। We'll be right back.